पावर सेक्टर प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देगी, पीडीडी डिपार्टमेंट को प्राइवेट हमारे डिपार्टमेंट को इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको प्राइवेटाइज कर दिया। पूरे ऑल इंडिया लेवल पे इसका विरोध हो रहा है। पूरे ऑल इंडिया लेवल पे ड्यूटी जितने भी हैं उनको सभी को इन्होंने जम्मू कश्मीर की आड़ में लेके उन ड्यूटीज़ को भी इन्होंने प्राइवेटाइज के इदारे में लाया है। इसका हम विरोध करते हैं। जब 2012 में इसका कैबिनेट डिसीजन हुआ, इन्होंने प्राइवेटाइज करने की बात कही, तो हमने उस समय भी इनको कहा, हमारी लगातार हड़ताल चली स्टेट लेवल पर, और हमने इनको कहा कि वाइट पेपर जारी कीजिए। लेकिन इन्हें टाल टोल की पॉलिसी इख्तियार करते हुए 2019 में इन्होंने कंपनीज में इसको जो है उसको तब्दील कर दिया, और इसमें 3 कंपनियाँ बनाएगी पूरी स्टेट के अंदर, ट्रांसको, ट्रेंडो और डिस्काम। अब रिसेंटली शुक्रवार को हमारी जो सेंट्रल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बहुत बड़ा फैसला लिया कि हम पीडीडी डिपार्टमेंट जो डिस्काम है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन जो है, उनको हम निजी कंपनियों के हवाले करने जा रहे हैं। अब क्या डिमांड करते हैं? हम ये डिमांड करते हैं कि हमने इस डिपार्टमेंट को अपने खून से सींचा है। हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर अपना सोर्सेज, अपना पानी है जहाँ से बिजली तैयार होती है, और जहाँ से बिजली जो है वो पंजाब में जाती है, और पंजाब से फिर हमें खरीदनी पड़ती है। हमें अगर हमारे स्टेट के अंदर प्राइवेट कंपनी आएंगी तो इसका जो भुगतान जो होगा वो आने एम्प्लाइज को तो होगा ही होगा, हमारे कंज्यूमर जो है, आने वाले जो हमारे कंज्यूमर हैं उनको भी बहुत बड़ा इसको नुकसान भुगतना पड़ेगा। हम इसका विरोध करते हैं।